किसान के साथ साथ में जो मजदूर हैं वे भी आंदोलन से जुड़ेंगे, जो दूसरी संस्थाएं हैं जो देश में बिखरी हैं, वो रेलवे हों, वो एयरपोर्ट हैं, वो स्कूल हैं, वो बड़ी बड़ी संस्थाएं से हैं, अभी विशाखापट्टनम में गए तो वहाँ पर स्टील प्लांट है, तो इस तरह के जो चीज़ें हैं जो बिखरी हैं देश में उनके लोग भी संपर्क में हैं। और ये एक जन आंदोलन है, देश को बचाने का ये आंदोलन है और इसमें देश के लोगों को इसमें साथ माना पड़ेगा। सर फिर से जो है कोरोना की जो है आ गई है वेव, क्या कुछ है नहीं किसानों को इस कोरोना का? गांव में भी रहेंगे, यहाँ से चल जाएंगे तो गांव में रहेंगे क्या? अगर आंदोलन खत्म हो जाए धरने तो देश से कोरोना खत्म हो जाएगा? ये तो गांव है हमारे, क्या एक गांव के खत्म होने से कोरोना खत्म हो जाएगा? तो हम कहीं नहीं जा रहे, हम अपने धरने पर रहेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, जो गाइडलाइंस होगी उसका पालन करेंगे। और मैक्स हॉस्पिटल है, कोई बीमार होगा तो सबसे नज़दीक अस्पताल ये है, इस अस्पताल में जाएंगे। 10% इसको कह दिया कि किसानों का कोटा रखना, हॉस्पिटल वाले को बता दिया। सर दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था शाहीन बाग जिसका नाम दिया गया था, उस आंदोलन को कोरोना का भय दिखाकर खत्म करा गया था सरकार द्वारा? ये नहीं है, ये शाहीन बाग नहीं है, ये इसमें सरकार गलत फहमी में मत रहे कि शाहीन बाग है, ये किसानों का आंदोलन है, ये शाहीन बाग नहीं है। आंदोलन ना खत्म होगा जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी, जब तक हमारे मसलों का समाधान नहीं करेगी, आंदोलन यहाँ से खत्म नहीं होगा। सरकार रिक्वेस्ट करके तो जाओगे आप लोग? रिक्वेस्ट क्या, कोई यहाँ से मंदिर का कोई पुजारी है कि रिक्वेस्ट करेंगे तो वो करार भेज दिए हमसे? मानवता के आधार पर उसको तो उसका तो इलाज करेंगे, कट्टर का तो उसने सड़क खोदी थी, वो तो आएगा ही नहीं, वो तो कहीं पे भी हरियाणा में उतरेगा ही नहीं धरती पे। सर दुष्यंत चौटाला ने भी जो है चिट्ठी लिखी प्रधान, हाँ चिट्ठी लिखी दुष्यंत, भी चिट्ठी लिखी। सर हरियाणा सरकार ने हवाई सर्वे किया है टीकरी बॉर्डर का, सिंगू बॉर्डर का, क्योंकि डर दिखाया जा रहा है किसानों को कि अब जो है हम देखो एक्शन करने वाले हैं। कर दो एक्शन, कब करेंगे? वो कुछ ऐसी छंट के खबरें आ रही हैं अंदर से, एक्शन की तो तैयारी में है, एक्शन करेंगे। एक भी बीजेपी का नेता देश के गांव में नहीं घुस सकता, ये एक्शन यहाँ पे करेंगे। और जो संघ के बैठे ना, जो गांव गांव में बैठे, उनका जनता इलाज करेगी फिर। बंगाल में तो चुनाव रैली कर रहे हैं, हाँ चुनाव रैली बंगाल में, चुनाव रैली कोरोना से इनका संबंध है आपसी कुछ, नेता बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं वहाँ पे कोरोना नहीं है, किसान यहाँ शांति से बैठ रहे इसे कोरोना बता रहे। हम अपना आंदोलन नहीं खत्म करेंगे जब तक कुंभ का मेले का समापन हो सकता है, तो किसान आंदोलन नहीं होने का भाई, इसमें नहीं होने का। कुंभ का कुंभ में भी बड़ी बड़ी भीड़ हो रही, कहीं कहीं करोड़ आदमी जा रहा है कुंभ में भी। राहुल गांधी ने अपने रैली कैंसिल कर दी, हाँ कर दी होगी भाई, हमने भी रैली हमने भी कैंसिल कर दी। ये तो एक गाँव है, आंदोलन स्थल एक गाँव है, क्या गाँव को खाली करवा के और कोरोना खत्म हो जाएगा देश से? हमारा गाँव है, कॉलोनी है, इसमें रह रहे जिम्मेदार सरकार रहेगी या अस्पताल वाला रहेगा जो यहाँ मैक्स हॉस्पिटल वाला? सर जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, गर्मी का सीजन है, वैसे वैसे कुछ कैंपों में ठंडक मतलब कम हो रहे हैं, लोग कम हो रहे हैं, गेहूँ काटने जा रहे हैं। सरकार आंदोलन, सरकार चुनाव में जा रही है बंगाल में, किसान गेहूँ काटने जा रहा है, रौनक तो फीकी पड़ रही है। अरे फीकी क्या, कोई यहाँ सांग हो रहा है तो यहाँ पे फीकी पड़ रही। सर कब हो रहे अपना अपना गेहूँ काट रहे ना, किसान गेहूँ काट रहा, गन्ने की छिलाई कर रहा है, इलेक्शन लड़ रहा, अभी 29 तारीख तक इलेक्शन लड़ेगा, गेहूँ काटेगा, गन्ने की छिलाई करेगा, गन्ने की बुआई करेगा। सरकार 3 तारीख में आ जाएगी, वह 4-5 तारीख तक सरकार बिजी रहेगी, हार में बिजी रहेगी, उसका शोक मनाएगी, फिर 5 तारीख के बाद में सरकार नॉर्मल स्थिति में आएगी। जब तक हमारे किसान भी आ जाएंगे, अगर जीत गई तो, अरे जीत की तो खुशी मनाओगे 5 तारीख तक, जो भी बातचीत होगी सरकार से 5 तारीख के बाद में किसान भी आ जाएगा, सरकार भी दिल्ली आ जाएगी। सरकार ने कोई एक्शन किया यहाँ पर? जैसे सुनने में खबरें आ रही है कि मिलिट्री पोस्ट लगा रही है। हाँ लगा दें दो मिलिट्री पोस्ट, तो लगाई करें मिलिट्री पोस्ट। लेकिन सर राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि हमें जाना पड़ेगा अगर सर, हाँ हाँ आज आ जान आ जान दो, सरकार को भी देख रहे हैं, उसी की तलाश कर रहे हैं सरकार है कहाँ से, आन दो सरकार को। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता के बयान एक जैसे ही है, तैयारी कर रहे हैं ना, उन्होंने यही तो कहा कि हटा दो, हम गांव में लग रहे जान, यही तो कहा उन्होंने, दो कदम हटने के लिए भी तैयार। हाँ गांव में तो जा लिए ना, अपना गांव में, गांव में कह दिया ना उन्होंने कि हटाने की तैयारी कर रही, तो गाँव के लोग तैयार बढ़ते।
नहीं, अगर सरकार दो कदम पीछे हट के आप हटोगे? नहीं, सरकार तो दो कदम हटी नहीं, सरकार तो बंगाल बिहार की सरकार है, सरकार तो है ही नहीं यहाँ। शुरुआत में हमने देखा था कि किसान पूरी तरीके से कोरोना को नकार देते, लेकिन अभी तस्वीर बदल रही है, सभी के चेहरे मास्क लगा रहे हैं, खुद कोविड वैक्सीन लिया है, तो कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं अगर कानून का पालन नहीं किया जाएगा, नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो सरकार नहीं नियम का पालन करे या कोरोना का करे? कोरोना हाँ तो उसका कर रहे आपने तो डबल मास्क लगा रखा, लेकिन डबल किसान बिल्कुल मना कर रहे हैं लगा देंगे उनके भी लगाए सर। हम बुजुर्ग किसानों से बात कर रहे हैं अभी इस कोरोना महामारी में, वो कह रहे हैं हमें तो होगा नहीं करोगा। हाँ ठीक है भाई, अगर होगा किसी के तो मैक्स अस्पताल है, इनको बता दिया बेड खाली रखना, ये तो इनका वैक्सीन और दवाई का ध्यान रखते हैं, अगर यहाँ पे कुछ होगा तो अस्पताल में जाएगा फ्री ये इलाज करेगा। सर आपने वैक्सीन की पहले अपील करी थी काफी दिन पहले, क्या अभी वैक्सीन कुछ किसानों को लगी? लग रही, कुछ किसान लगवा रहे, कुछ ने जो गाँव में है अपने शहरों में गए तो वहाँ बॉर्डर के लिए कुछ यहाँ पर कहा तो था डीएम को लगवाओ यहाँ पर कहा है सर, और कुछ सब लोग हैं ये भी अपनी बात बताएंगे, आंदोलन हमारा है, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, सब लोग हैं। तो सर कोई बातचीत आगे बढ़ रही है सरकार में? अभी तो नहीं, अभी चुनाव आचार संहिता लग रही है ना, अभी तो चुनाव आचार संहिता लग रही है तो बातचीत तो अभी होने के लिए, क्योंकि रिटायर होगा चुनाव आयोग जो था रिटायर हो गया दिखे, हाँ उसको राज्यसभा या उसे कहीं राज्यपाल बनाएंगे, अब क्योंकि उससे काम दे लिया, अब उसको गिफ्ट में देना तो पड़ेगा ना। सर दिल्ली में लॉकडाउन आ गया, यूपी में लग जाएगा लॉकडाउन, क्या दिक्कत है? लॉकडाउन तो लग जाएगा और ठीक रहेगा कि अपना जो लोग हैं यहीं रेस्ट करेंगे, अपना आराम करेंगे, ठीक है लॉकडाउन। सर जैसे दिल्ली में लॉकडाउन शुरू हो गया है, जो किसान है संगठन है अपने यहाँ पर गाजीपुर से काफी मतलब खाना बांट रहे हैं, आनंद विहार बस आनंद विहार जा रहे हैं, यहाँ पे जो लंगर की जो सेवा के लोग करते हैं वे यहाँ से खाना बांट रहे हैं, जो मजदूर जो प्रवासी जो लोग हैं जो गांव के वे किसान हैं और शहर के निर्माणदाता है वे अपने गांव को वापस जा रहे हैं तो उनको खाना पा। लेकिन सर 20 लाख करोड़ का जो फंड जारी किया था सरकार ने, पीएम केयर फंड में काफी रुपया आया था, वो कहीं नजर नहीं आता? हाँ आए नहीं उनको कहीं नजर। सर आप पूरे देश में घूम रहे हैं, राज्य में जा रहे हैं, इस महामारी में जो सरकार की व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है? नहीं व्यवस्था तो फैले सब जगह फैले। सर कहीं ना कहीं ये मानना सही होगा कि सरकार जो अपनी विफलताओं के चलते लॉकडाउन लगा रही है, कुछ साल बाद भी जो हमारी ये बेचेंगे कुछ ना कुछ, लॉकडाउन थोड़ा लगा रहे कुछ ना कुछ सरकार बेचेगी। सर कह रहे बेचेगी किसानों को, आम जनता को कंगरे बनाएगी, ये जनता को खड़ा होना पड़ेगा। सूचना आने से लखनऊ में शमशान घाट की प्राय खत्म जाएंगे, वो सारी चीजें जाएंगी, कुछ ना कुछ लॉकडाउन में बेचेंगे ये। क्या उम्मीद है सर, क्या बिक सकता है? अब क्या पता भाई क्या बिकेगा, ये तो इन प्लान बना रखी सरकारी अस्पताल में, नगर अंदर अस्पताल बिक जाएंगे और यहाँ बिजली बिक रही। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.